Hi everyone, I hope you all are doing great. So I welcome you to the series called RBI 247. I am Tanvi Kaur, your mentor for Finance Current Affairs. So in this very series, we pick up some important financial topics and we try and discuss them with the help of different questions, right? So before I start with the very first question, if you have not yet subscribed to our channel, please do subscribe and hit the notification bell so that you can be updated about all our upcoming videos. And if you want the free PDF of this session, then please join our Telegram group. Link is in the description below. All the free PDFs which can be really very helpful for you all are provided on that very group only. Now let's start with the first question. That says identify the correct statement. So recently we are seeing a fall in the value of rupee. So this question relates to rupee depreciation, the reasons behind the same, and what kind of an impact is there in an economy when we have weak rupee. Okay, so let's first discuss the concept, then we'll come back to the question and answer this. सो अगर मैं बात करूँ स्टेट ऑफ इंडियन रुपी की तो अभी हमें इंडियन रुपी विज़िबली डॉलर फॉल होता दिखाई दे रहा है. द वैल्यू ऑफ रुपी इज डेप्रिशिएटिंग. सो इफ $1 इज से 60 रुपीज टुडे एंड इफ टुमारो $1 बिकम 70 रुपीज, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डॉलर हैज अप्रिशिएटेड. वैल्यू ऑफ डॉलर बढ़ गई है. पहले $1 में 60 रुपीज के गुड्स आते थे इंडिया के, और अब उसी $1 से आप 70 रुपीज तक के गुड्स खरीद पाओगे. बट इफ आई टॉक अबाउट रुपी, द वैल्यू ऑफ रुपी हैज डेप्रिशिएटेड. सो इफ समवन फ्रॉम इंडिया वांट्स टू बाय सम गुड फ्रॉम यूएस, ओके, एंड पे देम इन डॉलर्स, देन ही नीड्स 60 रुपीज टू गेट $1 वर्थ ऑफ गुड्स. बट इफ द रुपी डेप्रिशिएट्स, देन ही विल हैव टू पे 10 मोर रुपीज टू बाय सेम गुड वर्थ $1. सो इसका मतलब है रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस वेरी थिंग, रिसेंटली वी आर सीइंग अ मेजर फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपी विज़िबली डॉलर्स. 3.5% फॉल देखी है हमने डॉलर्स में इन 2022. डॉलर रुपी विज़िबली डॉलर हैज टच रिकॉर्ड लो वैल्यूज. ओके, अगर मैं 8th मार्च की बात करूं तो 76.984 पे ये पहुंच गई. इफ यू रिमेंबर, आई डिस्कस्ड अबाउट दी सेल बाय स्वैप्स व्हिच आरबीआई इज गोइंग टू कंडक्ट. ओके, क्योंकि वो स्वैप्स एक्सपेक्टेड थे तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्टेडी हुआ है वापस रुपी विज़िबली डॉलर, बट अदरवाइज रुपी में हमें फॉल देखने को मिली थी. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज दिस डेप्रिसिएशन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डिवैल्यूएशन. सो अगर मार्केट फोर्सेस की वजह से जो डिमांड या सप्लाई है फॉरेन करेंसी का या किसी भी करेंसी का, उसकी वजह से जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, देन दैट इज डेप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन. सो इफ बिकॉज देयर इज मोर डिमांड ऑफ डॉलर एंड लेस डिमांड ऑफ रुपी, और रुपी इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू डॉलर, देन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ डॉलर एंड रुपी इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेज, देन वी कॉल इट डेप्रिसिएशन. बट इन केस इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, यानी कि आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक ये डिसीजन लेके अब डॉलर की वैल्यू, रुपी की वैल्यू इतने डॉलर के बराबर होगी, सो इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेज. सो दैट इज डिवैल्यूएशन. ओके, जब मार्केट फोर्सेस के चेंज होने से आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, देन दैट्स डेप्रिसिएशन. लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की वजह से वो वैल्यू कम हो रही है, देन दैट इज डिवैल्यूएशन. अब मैं बात करूंगी कि हमें कैसे इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, क्या फैक्टर्स है जो उसको इम्पैक्ट करेंगे. इम्पैक्ट करेगा कि उस करेंसी की डिमांड या सप्लाई कितनी है. इफ आई टॉक अबाउट डिमांड फॉर अ रुपी, इफ यू आर डूइंग मोर ऑफ एन एक्सटर्नल ट्रेड, इफ मोर एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स आर हैपनिंग, सपोज समवन इज इम्पोर्टिंग समथिंग फ्रॉम इंडिया, सो दे आर गोइंग टू पे इंडिया इन इंडिया इन रुपी टर्म्स, सो रुपी डिमांड विल राइज एंड वील सी अ राइज इन द वैल्यू ऑफ रुपी एज वेल. सो द लेवल ऑफ ट्रेड हैपनिंग बिटवीन टू कंट्रीज, फॉरन इन्वेस्टमेंट्स, अगर इंडिया में FDI आ रहा है, इफ इंडिया इज सीइंग FDIs, FPI इनफ्लोज, देन ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन इंडिया दे विल डिमांड मोर ऑफ रुपी, सो इट्स लाइकली टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ रुपी. जितनी रुपी की डिमांड होगी उतनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी. ओके, टू वे ट्रैवल, यू आर समवन इज ट्रैवलिंग टू इंडिया, दे विल डिमांड इंडियन करेंसी, राइट, बट इफ दे आर ट्रैवलिंग टू सम अदर कंट्री, देन दे विल कन्वर्ट इंडियन करेंसी इन टू सम अदर करेंसी, सो द वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इज गोइंग
that currency is demanded more, so its value is likely to rise. So aise hi ek trade jo ho raha hai, foreign investments ho rahi hai, travel ho rahe hai, jis wajah se currency conversions are needed, or you are sending the remittances or receiving the remittances, foreign loans are given or taken, all these affect the currency's demand and supply. Okay. अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिनेरियो की, अभी क्यों वैल्यू ऑफ रुपी जो है डॉलर के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन में कम हो रही है रुपी की वैल्यू, व्हाई? सो देयर आर टू मेजर रीजंस बिहाइंड द सेम. फर्स्ट इज रशिया यूक्रेन वॉर. सो बिकॉज ऑफ द थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन यूक्रेन एंड दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर ऑल other nations as well. So what is happening? Because of this, the trust of people is falling and they want to move to safe havens. उन्होंने जहाँ जहाँ investments किए हैं वो वहाँ से पैसा निकाल के किसी safe option में invest करना चाह रहे हैं, safe option में लेके जाना चाह रहे हैं. So those who would have invested in India, in Russia, they are taking away their investments from there and they are basically preferring some safe instrument, some safe currency, and that seems to be dollar for them. So dollar पे सबसे ज्यादा trust है, तो बाकी countries से पैसा withdraw करके US में invest हो रहा है या फिर वो dollars खरीद के रख रहे हैं. So dollar की value appreciate हो रही है and when the investments are taken away from India, obviously the demand for rupee is going to fall and so is the depreciation of a rupee. Second is expected hikes in US interest rate. We have discussed it various times that it is expected that the US is going to increase the interest rates or its central bank is taking the decision to increase interest rates. So agar US mein interest rates badhenge, if the interest rates there rise, people who would have invested in countries like India will take away their investments back to US because their more rate of interest is offered. So when the foreign outflows are happening, demand of rupee is falling and that of US currency is increasing. So there we see an appreciation and Indian rupee depreciates. So ये कुछ factors हैं जो currency की value को affect करते हैं, जिस वजह से exchange rates affect होंगे. Now coming to the next question, that why, what kind of impact will weaker rupee have on an economy? अगर हमारा rupee depreciate हो गया, $1.60 था, $1.70 हो गया, यानी कि rupee जो है वो depreciate हो गया, तो इसका क्या impact पड़ेगा? First of all, when rupee is depreciating, your exports are likely to boost. क्योंकि अगर US वाला कोई person $1 में 60 rupees का good खरीद सकता था, now with same dollar they can buy 70 rupees worth of goods. So they are likely to demand more goods from India. So India's exports are likely to rise. But the things will become costlier for India to import. If India was exporting $1 worth of good by paying 60 rupees, now it has to pay 10 more rupees to get that same goods. So exports to achhe honge, boost up honge, but imports will become costlier for India. And when imports are becoming costlier, suppose you are importing some raw material, it is becoming costlier. So the products you will be making will be costlier and the prices charged will be high. Okay, so because of the costlier imports, we are likely to see inflation. Agar aap क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसका प्राइस इंडिया में बढ़ेगा एट द प्राइस यू आर सेलिंग इट इन इंडिया. दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन होगी अगर इंपोर्ट्स कॉस्टली हो रहे हैं, और वो क्यों हो रहा है? बिकॉज रुपी इज वीकर. सेकेंडली, इफ योर इम्पोर्ट्स आर बिकम कॉस्टली, योर करेंट अकाउंट इज लाइकली टू गो इन डेफिसिट, एंड इन ऑर्डर टू मैच दैट यू हैव टू विदड्रॉ योर फॉरन रिजर्व. सो इट विल डिप्लीट योर फॉरन एक्सचेंज. दिस इज अनदर इम्पैक्ट ऑफ वीकर रुपी. So, ये कुछ important concepts थे जो मैंने discuss करने थे. Now, coming back to the question and identifying correct statement. So, first is, when a currency's value against other currency weakens through market, should be through market forces, it is called depreciation, correct? In a normal situation, depreciation of domestic currency makes exports costly and imports cheaper. No, it boosts the exports and makes imports costlier. So, ये incorrect है. Third, net inflow outflow of foreign currencies lead to fluctuations in currencies offering exchange rate. This is correct. So A and C are correct. Answer is option D. Now coming to second question. Who has launched trading in unsponsored depository receipts, which will offer Indian retail investors an opportunity to invest in US stocks listed in exchanges like NYSE, NASDAQ in easy and affordable way?
अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, यू कैन ऑब्वियसली मेक एन इन्वेस्टमेंट एल्सवेयर थ्रू द रजिस्टर्ड ब्रोकर्स एज ऑफ नाउ. ओके, द वंस हु आर रजिस्टर्ड विद इंडियन एंड यूएस रेगुलेटर्स, दे सच ऑन ब्रोकर्स आर एक्चुअली अलाउड टू हेल्प यू डील इन दीज foreign stocks. Okay, so currently Indian investors, they can buy US stocks through online designated brokers jinhe US or India ke regulator se permission hai. But if I talk about making a direct investment over there, now one of the exchanges or subsidiary of an exchange has come up with this opportunity for retail investors, jahan aap directly US mein listed, US ke stock exchanges mein listed stocks mein invest kar sakte ho directly where you will be issued the depository receipts. So kisne launch kiya hai ye trading? It is NSE IFSC, that is one of the subsidiaries of National Stock Exchanges which operate in GIFT City in India. सो NSE IFSC जो है वो NSE का एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है. इट इज अ सब्सिडरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विच स्टार्टेड इन 2016 इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी. ओके, जो IFSC सेंटर हमारा गुजरात में बना है, देयर दिस वेरी एक्सचेंज इज वर्किंग एंड इट अलाउज ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इन अदर करेंसी. सो इंडियन रुपी में तो हम इजिली ट्रेडिंग कर सकते हैं इन द NSE, BSE, इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस, बट when it comes to trading in securities and currencies other than rupee, then there is this exchange which is offering that facility. It came up with trading in 2017 where the securities or the products which were dealt with were US dollar denominated. Okay, here different kinds of products are introduced and offered, like index derivatives, stock derivatives, currency derivatives, commodity derivatives, debt securities, or ab एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये लॉन्च कर रहा है कि जिससे आप यूएस के स्टॉक्स में डायरेक्टली ट्रेडिंग कर सकते हो और उसके अगेंस्ट जो रिसीट्स इशू होंगी, डायरेक्टली स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आएंगे, आपको रिसीट्स इशू की जाएंगी. सो NSE IFSC लॉन्च्ड ट्रेडिंग इन अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट्स वेयर इंडियन रिटेल इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स लिस्टेड ऑन NSE NASDAQ. आगे मैं बात करूंगी कि कौन से स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड व्हाट आर दीज डिपॉजिटरी रिसीट्स. सो जो ट्रेडिंग होगी, इट विल बी इन अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट्स जिन्हें हम NSE IFSC रिसीट्स कहेंगे. दिस हैज बीन लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद HDFC बैंक विच विल इशू दीज रिसीट्स. सो ये रिसीट्स क्या है? जस्ट लाइक वी हैव शेयर्स विच आर ट्रांसफर टू आर डीमैट अकाउंट, द अकाउंट वेयर दी सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सिमिलरली we are investing in US stocks, but US stocks will not be represented in the डीमैट अकाउंट. आपके डीमैट अकाउंट में ये रिसीट्स शो होंगी. सो दीस रिसीट्स आर एक्चुअली इक्विवेलेंट टू स्टॉक्स ओवर देयर. इफ सम फॉरेन इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया और इंडियन इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट एल्सवेयर, देन डिपॉजिटरी रिसीट्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर इशूड. ADRs, GDRs के बारे में आपको पता होगा, द अमेरिकन एंड द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स. ओके, सो दिस NSE IFSC रिसीट्स, ये भी एक डिपॉजिटरी रिसीट है. इफ यू कैन सी इट्स लाइक अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट जिसमें अंडरलाइन कमोडिटी क्या है, दी स्टॉक्स विच आर लिस्टेड ऑन द इंटरनेशनल एक्सचेंजेस. ओके, सो अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम वी कैन एक्चुअली रेमिट सर्टन अमाउंट इन विच दैट इज अलाउड फॉर वेरियस करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस. सो उसके अंडर हम इंडिया से 2,50,000 US dollars तक का अमाउंट रेमिट कर सकते हैं. सो इफ यू वॉन्ट टू मेक इन्वेस्टमेंट इन थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ NSE IFSC इन इंटरनेशनल स्टॉक्स इन US, देन यू कैन डू सो अंडर LRS स्कीम. सो LRS स्कीम की अगर मैं बात करूँ, ये सारे रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को 2,50,000 US dollars तक का अमाउंट इंडिया से रेमिट करना अलाउ करती है डिफरेंट करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए. करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इंक्लूड योर इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, FDI, FPI एंड ऑल दैट. ओके, नेक्स्ट इज दैट इन विच स्टॉक्स आर दे इनिशियली अलाउड टू इन्वेस्ट. सो अभी के लिए 8 प्रोमिनेंट स्टॉक्स, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla, Microsoft, Netflix, Apple, Walmart, सब बड़ी कंपनीज हैं, इन सब के नाम सुने होंगे. अभी के लिए ये 8 स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो. ग्रेजुअली दे विल इंक्रीज इट टू 50 एंड देन दिस इज हाउ इट्स स्कोप इज गोइंग टू इंक्रीज फर्दर. अब इसके एडवांटेजेस क्या होने वाले हैं? दिस इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, सो ऑब्वियसली इट्स लाइकली टू ऑफर सर्टेन बेनिफिट्स, दैट्स व्हाई दिस हैज बीन लॉन्च्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट. इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए इजी हो जाएगा वहां इन्वेस्ट करना.
existing process जो है it is more costlier, it is more time consuming. So आपका time और cost दोनों बचेगा इस mechanism से. Thirdly, you can be issued these shares in terms of depositary receipts in fractional quantity. So आपको कुछ every receipt will be equivalent to certain stocks. So in fractional portions also you can make an investment. And where you are going to get these receipts? In your DMAT account. DMAT account kya hai? It's the account where these shares, securities are held in electronic form. And if any benefit is to be given from companies and the corporation action benefits, they will also be given in this DMAT account only. Yani ki company kabhi kabhi dividend deti hai, koi type ka interest de rahi hai, company is trying to give some bonus, interest, dividend, every that kind of a thing will be provided to you through the DMAT account. Okay. Now talking a bit more about this, that who can invest in these. So people who are resident outside India, non-resident Indians, Indian residents, they all are allowed to invest. And how they can invest? So unko ek DMAT account kholna hoga IFSC ke saath. So HDFC has one banking unit in the GIFT City which will collaborate and help in creation of these accounts and issuing of the receipts. Okay, bank will undertake related activities besides opening the depository accounts of investors. Iske baad jo bhi aapko receipts issue honi hai, wo DMAT account mein hi hongi. Benefits you will be getting in DMAT account, and there is NSC, IFSC, Clearing Corporation. Clearing Corporation ka kaam kya hai? Pura settlement mein help karna. If you are buying the stocks, you will have to make the payments and you will get the delivery of receipts in your DMAT account through Clearing Corporation. If you are selling it, you will receive the money. So this is how this whole system is going to work. Ab aate hain next question pe, wo bhi isi se related tha. Under liberalized remittance scheme, all resident individuals including minors are allowed to freely remit up to how much amount per year for current capital account transactions? Because we have just discussed, now you will be able to answer it. It's 2,50,000 US dollars. Ab aa jaate hain last question or last topic of the day pe. Which bank has been asked by RBI to stop onboarding of new customers based on material supervisory concerns observed in the bank? So recently ही RBI ने notify किया है कि इनमें से एक payment bank में नए customers अब नहीं आ सकते. No new customers will be onboarded. If you remember last year, HDFC Bank also has had some kind of restrictions on new onboarding of some credit card customers because of some technology related issues, digital platforms using issues, and they had to work a lot on improving on their systems and all. So ab वैसे ही एक और bank पे supervisory concerns की वजह से RBI ने restriction लगाई है कि नए customers onboard नहीं होंगे. Which payment bank am I talking about? It's option B, Paytm Payments Bank. So जहां तक Paytm Payments Bank की बात है, it is a payments bank, not offering loans but offering the option to keep your deposits by opening the savings account. ये zero balance savings account खोलने का option देता है. Digital passbook offer करता है. Virtual debit card is they offer. Fixed deposit you can have with this very bank. Money transfer facilities there. So basically जो unbanked या underbanked Indians हैं, उन तक ये facilities पहुँचाना is the work of Paytm Payments Bank. Okay. Now talking about this very direction of RBI, so RBI ने इन्हें मना कर दिया है कि फिलहाल ही कोई नए customers onboard नहीं कर सकते. So there seems to be some kind of problem with their IT systems. So bank has been asked to appoint an IT audit firm to conduct system audit of its IT system. So जहाँ जहाँ faults हैं उन्हें उसको improve करना होगा. And once this audit is done, once the problems come into picture, then RBI might take the decision to give them the exemption, but it will be based on the audit reports. Okay, so अभी के लिए ये नए customers onboard नहीं कर सकते. RBI ने बहुत details share नहीं की. RBI has not shared many details. It has just mentioned that there are supervisory concerns with the functioning. So as of now, this restriction has been imposed. But experts का क्या कहना है? Experts क्या कह रहे हैं कि क्यों ये restrictions imposed की गई होंगी? They are saying that because the bank has not adhered to the KYC norms, it has not adhered to the data storage, data privacy, outsourcing norms. So इस वजह से ये decision RBI ने लिया है. ये experts का कहना है. Now talking about
how RBI has that power that they can restrict a bank from onboarding new customers. So RBI को Banking Regulation Act का Section 35A ये power देता है. Section 35A of Banking Regulation Act gives the power to RBI that in case something is going on with the bank that is not in the interests of the depositors, which is against their interest, okay, then RBI can issue such directions which can prevent the affairs of any banking company. इस ही section के अंदर ये payments bank पे ये restriction RBI ने लगाई है. और ये पहली बार नहीं है कि Paytm payments bank पे कोई violation हो की है, उन्होंने किसी rule की कोई restrictive action लिया गया. These regulatory strictures are being imposed on Paytm bank from a longer period of time. जब से ये start हुआ है तब से कई बार इस penalty लग चुकी है and then they have to improve in order to escape from that ambit of being penalized or restricted from their operations. Okay, so that's it for today's session. I hope it was useful for you all. With this, I would like to end up this session. Thank you so much.